13 नवंबर को महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव और यूपी में विधानसभा का उपचुनाव होना है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के तीनों दलों ने 85-85-85 सीटों का फॉर्मूला निकाल लिया, लेकिन बाकी की सीटों पर वहां पर भी अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। उधर महायुति गठबंधन में 106 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और इसी को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो गृहमंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। समाजवादी पार्टी पहले ही 7 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव न लड़ने का फैसला कर चुकी है, और क्योंकि देखिए जो खैर सीट और गाजियाबाद की जो सीट दी थी वो कांग्रेस नहीं चाहती है। ऐसे में आपको अखिलेश यादव का वो पोस्ट याद होगा जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि जीत जरूरी है, और ऐसे में उन्होंने गठबंधन की मजबूती पर जोर देते हुए कहा था कि हम साथ साथ हैं और हमारा उद्देश्य जीत है। तो ऐसे में देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या यूपी उपचुनाव में बगैर प्रत्याशी रहेगी? और सवाल ये भी, क्या हरियाणा की हार ने कांग्रेस के मोलभाव की क्षमता को कमजोर कर दिया? आज ऐसे कई पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ में गेस्ट पैनल भी रहेगा, और क्योंकि देखिए चाहे चुनाव हो या उपचुनाव, विधानसभा का चुनाव है झारखंड महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी साग दाव पर लगी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की। और दूसरी तरफ यूपी की बात करते हैं तो यूपी में क्योंकि जो उपचुनाव उस पर ज्यादा निगाह क्यों टिकी हुई है, क्योंकि 2027 की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है। और बड़ी बात यह है कि परसेप्शन की जो लड़ाई है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो कमी रही, जो घाटा हुआ, जो नुकसान झेला, उसकी भरपाई बीजेपी इस बार इस उपचुनाव में करना चाहती है, क्योंकि एक परसेप्शन की जो लड़ाई जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं तमाम मेहमानों के साथ में। रत्नाकर जी नेता बीजेपी, आकाश जाधव है प्रवक्ता कांग्रेस, सुशील व्यास हमारे साथ में प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट, मोहम्मद आजम हमारे साथ में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, एक बार सभी का स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले रत्नाकर जी आप ही के साथ कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ आप लोग मजबूती की बात करते हैं कि महायुति बहुत ही मजबूत है और हम सत्ता में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर लेकर इतनी रार देखने को मिल रही है, इतनी तकरार, इसको आप रार तकरार नहीं मानेंगे मुझे पता है, लेकिन खींचतान तो है, आप इसको चाहे हाँ कहें या ना, क्योंकि अगर खींचतान ना होती या सब कुछ ठीक होता तो कल एकनाथ शिंदे भी अमित शाह के साथ बैठक में होते और आज तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका होता। देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि महायुति गठबंधन में कोई विवाद नहीं है, हमारे यहाँ संवाद है, और हम यह संवाद इसलिए जारी रखे हुए हैं क्योंकि हम चाहते हैं और हमें पूरा यकीन भी है कि हम तीनों पार्टियां मिलकर जब चुनाव लड़ेंगी और एक संवाद के माध्यम से सही रणनीति बना करके जब हम चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा में जिस तरह से नतीजा आया है उसी तरह से महाराष्ट्र में भी नतीजा आएगा। इसलिए यह जो संवाद है वह मीटिंग हो रही है कि कौन से कैंडिडेट कहां पे कितनी मजबूती के साथ लड़ सकता है जिससे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार, जनता हमको आशीर्वाद दे और जनादेश दे जिससे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं और जनता के हित में और महाराष्ट्र की जनता के हित में काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन मैं बात कर लेना चाहूंगा कांग्रेस का पूजा जी, तो कांग्रेस देखिए किस तरह से उसकी वस्तु स्थिति बनी हुई है। अगर उत्तर प्रदेश की बात ले लिया जाए तो वह सिर्फ 2 सीट 10 सीटों में ऑफर कर रही थी समाजवादी पार्टी उनको, और वो भी 2 सीट कौन सी, एक गाजियाबाद की और दूसरी खैर की। गाजियाबाद की सीट जो है पिछले विधानसभा में ये 4.25 लाख वोट से हारे थे और खैर की वही वस्तु स्थिति भी वही थी, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा था कि हम हारने वाले हैं इसलिए जो है वहां पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सहूलियत की राजनीति है, उनकी सुविधा की राजनीति है, ये जनता के हित की राजनीति नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश में आप तो मिलकर चुनाव लड़ नहीं रहे और कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, और दूसरी तरफ आप हरियाणा में अगर देख लीजिए तो किसी को अपने साथ समर्थन लेकर नहीं चुनाव लड़े, और यहाँ पे देख लीजिए महाराष्ट्र में तो तीनों पार्टियां आपसी सुरफुटबल इतना है कि कल तक की जो मीटिंग हुई है ट्राइडेंट होटल में उसमें भी अभी फैसला नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। हम पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम कितनी सीटें लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेगा, ये सारी चीजें अभी वो बात कर रही है। मैंने आपको पहले शुरुआती स्टेटमेंट में कहा कि हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं, हमारे यहाँ संवाद है, लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी संवाद भी तो नहीं हुआ ना सर, कल वो संवाद भी तो नहीं हुआ संभव, तभी तो सवाल उठा। खैर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन आकाश यादव जी सवाल तो उठेगा, सवाल कांग्रेस पर उठेंगे इसलिए क्योंकि जहां पर कांग्रेस मजबूत होती है, जहां पर कांग्रेस को लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पर आप आंखें दरड़ते हैं बाकी नेताओं को, और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर पॉसिबिलिटी कम है तो वहां पर आप मैदान ही छोड़ देते हैं, ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। पूजा जी, जहां विनेबिलिटी ये क्राइटेरिया होता है, चुनाव ये जीतने और हारने के लिए लड़े जाते हैं,
खास करके जीतने के लिए लड़े जाते हैं। जब विनेबिलिटी की जगह जहां पे मिल रही है उसी जगह कांग्रेस दावा करती है। और इंडिया गठबंधन में हमारे जो मित्र पक्ष है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बारे में बता दूं कि वो वरिष्ठ है वहां पे, उनका कैडर स्ट्रांग है, ये इस बात को कांग्रेस तय दिल से कबूल करती है और उस आधार पर हम भाजपा को रोकना हमारी प्राथमिकता है। तो हमने कुछ आज 3 बजे हम उस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे वहां के जो ऑब्जर्वर है अविनाश पांडे जी, अजय राय जी आज संयुक्त तरीके से करेंगे, स्टिल हम डिस्कशन में है और उसके ऊपर एक अच्छा नतीजा आएगा। एक मेरे ख्याल से 3 बजे AICC हेडक्वार्टर से या मुख्यालय से इस बारे में प्रेस वार्ता की जाएगी। अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मेरे मित्र रत्नाकर सिंह जी बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर महायुति में विवाद नहीं है, संवाद है। अरे विवाद संवाद का बात ही नहीं आता है, महायुति में आपके दोनों बंधुआ मजदूर है, आप जो कहेंगे वही नाचेंगे। मदारी तो दिल्ली में बैठा है अमित शाह, ये तो बंदर है, नाच रहे हैं। तो अजीत इस तरह के लहजे का इस्तेमाल ना किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा ना सर, मुझे लगता है कि हर किसी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे लगता है उस दायरे में किसी को नहीं जाना चाहिए। हाँ पूजा जी, चलो मैं इस बात पे मेरे शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन पूजा जी मेरा कहना क्या है कि महायुति के अंदर इनका खुद का से कुछ नहीं है। आज अजीत पवार को इतने मतलब बेकार तरीके से परेशान किया जा रहा है ईडी और सीबीआई के डर से कि हो सकता है कि 90 सीट पे वो अपनी ये कर रहे, कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी अमित शाह जी बना रहे हैं कि जो सेकुलर वोट बैंक है, जो संविधान के नाम पे जो माइनॉरिटीज के ऊपर जो आघात हो रहे हैं, जो ओबीसी के ऊपर आघात हो रहे हैं, मराठा समाज नाराज है, तो वो वोट को डिवाइड करने की एक चाल अमित शाह और भाजपा कर रही है। तो शायद अजीत पवार से वो लोग डायलॉग करके उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप अलग लड़िए, उसी तरीके से महाराष्ट्र में और कांग्रेस इसके ऊपर बहुत ऑब्जर्व कर रही है, उसके ऊपर हमने अपनी रणनीति बना के रखी है। तो मेरा कहना क्या है पूजा जी, महाविकास आघाड़ी हो या महाराष्ट्र का जो महायुति हो, महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता के लिए चुनाव लड़ने जा रही है और महायुति सिर्फ लूट और सत्ता पाके अडानी अपने जो मालिक है उनको किस तरीके से महाराष्ट्र पूरी तरीके से दे दिया जाए। सत्ता पानी की लालसा किसको नहीं है, आपको नहीं है कि सत्ता पानी की लालसा? आप लोग भी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी को रोकने की बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली है तो सत्ता पाने की लालसा हर किसी को ना, राजनीति में जो आया वो सत्ता पाने की लालसा के तहत ही सारी स्ट्रैटेजीज को निर्मित कर रहा है। आप भी अगर आज साथ हैं उद्धव ठाकरे के, आपकी राजनीति भी तो उनके विरोध में रही और उनकी राजनीति आपके विरोध में रही, लेकिन विरोधी विरोधी साथ आ गए, तो ये सब क्या है, सत्ता पाने की लालसा ही तो है ना पूजा जी। लोकतंत्र के अंदर सत्ता पाना मतलब क्या, खुद का स्वार्थ देखना नहीं होता है। कांग्रेस इस देश को आजादी मिला के देने वाली पार्टी है, इस देश के अंदर जल्दी से क्विक रिएक्शन सर, 10 सेकंड में आपको दूंगी रत्नाकर जी, बाकी लोगों के पास जाना है मुझे। देखिए ये हमारे ऊपर आरोप लगाने का जो काम कर रहे हैं, अपने गिरेबान में अगर झांक कर देखें तो कुछ दिन पहले ही संजय राउत ने किस तरह से महाविकास आघाड़ी के जो अपने गठबंधन के इनके साथी हैं कांग्रेस के ऊपर टिप्पणी की थी। इसका जवाब आकाश जी दीजिएगा, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ मैं सर आती हूँ। मोहम्मद आजम साहब, एक तरफ हम साथ हैं साथ हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जब लगता है कि जहाँ पर हम स्ट्रांग है वहाँ पर किसी को मौका नहीं देती? आपको तो याद होगा अखिलेश यादव के साथ में क्या किया था इन्हीं के नेता ने, और आज आपको अच्छे से पूछ रहे हैं क्योंकि पता है कि वहाँ पर आप स्ट्रांग हैं। देखिए पूजा जी, जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें इंडिया गठबंधन एक साथ है, चुनाव हमारे सिंबल पे हो या कांग्रेस के सिंबल पे हो ये विषय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ट्वीट में कंफर्म किया है कि हम लोग जीत के लिए जा रहे हैं, ना कि गठबंधन हमारा सौहार्दपूर्ण है, हम लोग साथ में हैं। अब ये तय करना है कि कांग्रेस का प्रत्याशी हो सकता है हमारे सिंबल पे चुनाव लड़े या कांग्रेस हो सकता है खुद ही अपने उस पर चुनाव लड़े, लेकिन ये चीजें बिल्कुल नहीं है कि हमारे उनके बीच कोई सर फुटावल नहीं है। इसी तरह से महाविकास आघाड़ी में भी वहां पे देखिए हम लोगों ने अपनी चीजें काफी हद तक तय कर ली है, लेकिन जो हमारे अगेंस्ट है वो अभी भी दिल्ली और मुंबई दौड़ लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा कंफर्टेबल उसमें मूड में है और जनता भी हमारे साथ है। जनता ने महाराष्ट्र की भी ये कहा है कि जो महाविकास आघाड़ी की नीतियां हैं, जो उनके कार्यक्रम है वो ज्यादा वो है सक्षम है और ज्यादा। तो आप कांग्रेस पर पूरा भरोसा करते हैं जी? आप कांग्रेस पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको भरोसा है कि कांग्रेस के साथ से आपको मजबूती मिलेगी? बिल्कुल कांग्रेस पे भरोसा करते हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में भी
कुछ सीटें मांगी है, हमें उम्मीद है कि कुछ सीटें हम वहां भी चुनाव लड़े। सुशील व्यास जी, ऐसा क्या हो गया कि कल की बैठक में एकनाथ शिंदे पहुंचे ही नहीं? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि कल जो मीटिंग होनी थी, शिंदे जी को वहां दिल्ली जाना ही नहीं था। कल तो उनका कामाख्या देवी गुवाहाटी गए हुए थे, वहां से वो सीधा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग नारायण राणे जी के पुत्र को शिवसेना में शामिल करवाने का पूरा प्रोग्राम था, 4 बजे वहां पहुंचे। तो आज वो तीनों नेता हमारे फडणवीस जी, शिंदे जी और अजीत पवार जी दिल्ली की आके जो सीटें बाकी बची हुई है, जैसे रत्नाकर जी ने कहा किसी तरह का कोई विवाद है नहीं, हमारा एक ही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जब जिताओ उम्मीदवारों को, फिर वो चाहे हमारे आपस में किसी भी दल का हो, किस तरह से उम्मीदवारी हम दें तो क्या हम ज्यादा से ज्यादा तो सीटों को आपको लगता है कि शिवसेना शिंदे गुट के पास में ज्यादा जिताओ उम्मीदवार है इसलिए ज्यादा सीटें उनके पास होनी चाहिए? क्योंकि खबर तो यही है कि सारी बात यहीं पर फंसी है कि मैं ज्यादा के मैं ज्यादा। पूजा जी, जब गठबंधन में आप आ जाते हो तो फिर दल नगण्य हो जाते हैं और युति जो हमारा गठबंधन होता है वो मुख्य हो जाता है। इस समय हमारे सामने एक ही मुख्य मुद्दा है कि महायुति, जिसको हम आप लोग एनडीए के नाम से भी जानते हैं, वो किस तरह से प्रचंड बहुमत से महाराष्ट्र में जीते और उसमें हमारे आपसी में कौन से दल का उम्मीदवार किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा मजबूत है, अच्छी तरह से चुनाव लड़ सकता है, वो हम लोग आपस में तय कर रहे हैं। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी चुनाव में, जब गठबंधन की राजनीति में हम होते हैं तो ये 29 तारीख जब नॉमिनेशन भरने का अंतिम दिन है तब तक ये प्रक्रिया हो सकता लगभग 2-4-5 सीटों तक भी चले, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर ये हमारे पे जो है आकाश जी भी कह रहे थे, सबसे पहली बात तो मैं उनसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान के सबसे पुरानी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और टीवी पे बैठते हो, जो भाषा का उपयोग आप कर रहे हैं, कोई किसी का मदारी और कोई बंदर नहीं होता, अपना स्वाभिमान लेके चलता है। हम राजनीति में अपने स्वाभिमान के साथ राजनीति कर रहे हैं, किसी के इशारे पे नाचने वाले लोग हम नहीं है, हम अपने विवेक से और अपने बुद्धि से अपने विचारधारा के ऊपर राजनीति करते हैं। अगर आप विचारधारा की बात करते हैं तो शरद पवार जी ने अपने अलग दल क्यों बनाया, किसके खिलाफ बनाया और आज आप उनके साथ हैं, शिवसेना के साथ जिंदगी भर आप लड़ाई लड़ते रहे, आज आप उद्धव जी के साथ चल रहे हैं, तो आप हमें मत बताइए कि हम किसके इशारे पे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। हम अपनी विवेकता से चल रहे हैं, अपने राजनीति अपने विचारधारा के हिसाब से कर रहे हैं, हम सुविधा की राजनीति नहीं कर रहे, हम अपनी कटिबद्धता की राजनीति करते हैं, हमें कमिटमेंट की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए ये जो जहां तक सीट बंटवारे का मामला है, हमारे में कोई विवाद नहीं है, जैसे भाई रत्नाकर जी ने कहा हम आ रहा बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिताऊ उम्मीदवारों को 288 की 88 जगह पर हम उम्मीदवार देंगे और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार एक बार पुनः आप देखेंगे। एक और जरा बात बताइए फिर, चेहरा इस बार कौन होगा? क्योंकि खबर तो ये है कि चेहरा वो होगा जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी, जो ज्यादा जीत कर आएगा सीटें, जिसका पलड़ा भारी उसी के पास सीएम फेस। यहां पर सीएम फेस दिखाकर चुनाव नहीं लड़ रहे ना सर? पूजा जी, किसी हमारे तीनों दलों में से किसी एक नेता ने बात कही जो आप कह रहे हैं? बल्कि तीनों हमारे स्थानीय नेता हैं जो राज्य स्तर के, फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी की 4 दिन पहले संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पत्रकारों ने पूछा कि आपका चेहरा कौन है, एक मिनट भी लगाए बिना फडणवीस जी ने जवाब दिया कि मेरे बगल में बैठे हुए वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव का सामना कर रहे हैं। अब चुनाव का सामना हम उनके नेतृत्व में कर रहे हैं, उसके तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कहीं पर थोड़ा सा चीजें हैं भी जो लगता है कि डिस्टर्बिंग फैक्टर है, उसको भी सुलझा लिया जाएगा? मुख्यमंत्री पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, जीतना मायने रखता, सीट तो मायने रखती है ना सर? जिसके पास जितनी ज्यादा सीटें होंगी उतनी ज्यादा सीटें जीतने के लिए वो प्रयास करेगा, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो जीत पाएगा, वो तब सीएम का फेस बन पाएगा ना, यही तो सारी लड़ाई है आसान शब्दों में। पूजा जी, राजनीतिक गठबंधन की राजनीति में एक प्रक्रिया होती है, उसको अपना रहे हैं। और बहुत ज्यादा जी वातावरण में देख रहे हैं, इनके यहाँ पर संवाद है और दूसरा आपके तो 33 सीटों पर अब भी पेच फंसा है, आप चाह रहे कि उसमें से भी आपके खाते में कुछ जुड़ जाए? पूजा जी, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, मेरे मित्र सुशील व्यास जी को बता दूं, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान का चुनाव होने जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता वहां के गद्दार लोगों को सबक सिखाने वाली है इस चुनाव में। पर मैं आपको उदाहरण देता हूं इनका विवाद और संवाद का। पूजा जी सुन के, ये गद्दार का क्राइटेरिया क्या, जो आप गद्दार जिसको घोषित कर रहे हैं, ये गद्दार का क्या क्राइटेरिया? वो धब्बा तो फिर आप पर भी लगेगा। पूजा जी आप सुन के तो लीजिए, बोलिए। देखिए, इनके इनके साजी बापू पाटिल विधायक, कैसे आ रही हूं आपके पास, सांगोला के विधायक है शिंदे गुट के, उनके यहाँ 15 कोटी रुपए पकड़े गए। ये किसने पकड़े? यहाँ का जो होम मिनिस्टर है वो है देवेंद्र फडणवीस, इलेक्शन कमीशन इनके अंडर में, तो कहीं ना कहीं ये विवाद और ये सीएम का। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है?
अरे पूजा जी पकड़ा किसना है, मैं तो इलेक्शन, आप ये जो आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र नहीं है, आप ये कह रहे हैं, आप समझ के लीजिए, आप समझ नहीं रही है। मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा सर, कल को अगर आपकी महाराष्ट्र में सरकार बन गई तो इलेक्शन कमीशन तब स्वतंत्र होगा। अरे पूजा जी पंद्रह, मैं इलेक्शन कमीशन को बधाई दे रहा हूँ, 15 करोड़ पकड़े गए सांगोला में शिंदे गुट के विधायक के, तो कहीं ना कहीं आप समझ रही है राजनीति रस्ती खेल किस तरीके से चालू है, जबकि भाजपा का वहाँ होम मिनिस्टर है, तो मैं तो बधाई दे रहा हूँ निष्पक्ष तरीके से ये हो रहा है, किस लिए हो रहा है ये इतने, हम लोग ये नहीं है, महाराष्ट्र की जनता भी समझ रही है कि इनके अंदर सीएम को लेके जो रस्सी खेच हो रही है, मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, आप समझ के लीजिए। इसका जवाब एक बार सुशील व्यास जी से ले लीजिए। सुशील व्यास जी, मैं मुझे बड़ी हताशा निराशा जो कांग्रेस के साथियों में दिख रही है, मुझे बड़ी दया भी आती है, मैं ये दया के पात्र हो जाते हैं। पहली बात तो 15 करोड़ रुपया वो है नहीं, वो 5 करोड़ है, नंबर एक। नंबर दो, जो गाड़ी पकड़ी है, मैं बोल रहा हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, देखिए मैं, मेरा डिबेट करने का तरीका है आकाश जी, मैं सुन लेता हूं और फिर अगर सुनने की क्षमता रखता हूं तो आप भी सुनने की क्षमता रखिए। और 5 करोड़ का वो जो आंकड़ा है, वो गाड़ी इनोवा पकड़ी गई, वो खेड सेवापुर जो है पूना सतारा के बीच में है, सांगोला पंडरपुर के पास है, आप समझ लीजिए, पूरा फैक्ट जान लीजिए उसके बाद के। और फिर उस गाड़ी का मालिक जो अमोल मंडली की नलावड़े, वो जो है शेतकारी कामगार पक्ष का कार्यकर्ता है, उसने खुद ने कहा शेतकारी कामगार पक्ष फिलहाल हमारे युति में अभी तक है नहीं, आज आने की संभावना आपके युति में उनकी ज्यादा है। नंबर दो, शिवाजी राव पाटिल ने हर चैनल के साथ कहा मेरा इस पैसे से कोई लेन देन नहीं है, इनकम टैक्स ने उसको रिकवर कर लिया है, वो आगे की कार्रवाई इनकम टैक्स कानून के अनुसार करे, इसलिए कोई भी हवा में मत बात कीजिए, जो कोई यथार्थ बात कीजिए। 15 से 5 आप मान लेते हो, फिर आप मान लेते हो खेड सेवापुर तो पूना के पास है, सतारा के नजदीक है, वो सांगोला आ गया पंडरपुर के पास, आप कहाँ कोई किसकी बात, ये जिस तरह से लोकसभा में एक चुनाव में आपने एक जुमला फैला दिया कि संविधान खतरे में, उसी तरह से 2 दिन से पूजा जी इन्होंने हर चैनल में कहना शुरू कर दिया 25 करोड़ आ रहे हैं, पहला हफ्ता आ गया दूसरा हफ्ता आ गया, तो आप 50 साल राजनीति में सरकार में थे तो यही कर रहे थे क्या, पैसा ही पहुंचा रहे थे। आपका अनुभव है इसका मतलब, यादव जी जल्दी से क्विक रिएक्शन। साजी बापू पाटिल ने उसको डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी, आपके जवाब में ही सवाल खड़ा होता है कि क्यों जरूरत पड़ी कि वो मेरे पैसे नहीं है बोलने की, तो ये देखिए आप आज सरकार में है तो ये डिनाय करना उनका हक बनता है, लेकिन आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और इस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है, पैसे की राजनीति हो रही है, 50-50 करोड़ रुपए पहुंचाए जा रहे हैं, 50 करोड़ से लोकतंत्र को खरीदने की प्रक्रिया हो रही है, लाडली बहना योजना के माध्यम से इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया, वहां की महिलाओं को हमारे अभी वो योजना बंद कर दी गई, तो ये सब बातें जो तो जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या, आपको क्या लगता है जादव जी कि जनता बेवकूफ है, अगर कोई भी इस तरह का प्रलोभन दिया जाएगा और उसके बाद में वहां पर जो फ्लॉप साबित होगा तो जनता बेवकूफ बनती रहेगी, आप महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? ठीक है जल्दी से व्यास जी, ज्यादा मेरे पास वक्त नहीं है, ठीक है 5 सेकंड। हाँ। मैं जादव जी से फिर कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी के प्रवक्ता, कृपा करके गंभीरता से कुछ बात क्या कीजिए, लाडली बहना योजना बंद नहीं हुई है ना होगी, बल्कि नवंबर का आचार संहिता के चलते हुए कहीं हम उसमें अड़चन नहीं आ जाए, नवंबर का जो हफ्ता था वो भी एडवांस में दिया गया है, और आपके लोगों ने भी कहा है कि हम आएंगे तो इसको बल्कि आगे जारी रखेंगे, 1500 नहीं 2000 देंगे, तो आप क्या कह रहे हो, आप अपने पार्टी की लाइन से हटके कोई बात कह रहे हो, कृपा करके आप जरा पहले फैक्ट चेक करके आया कीजिए टीवी में आते समय। चलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये कुल मिलाकर चुनाव पर सबकी निगाह टिकी हुई है और चुनाव को लेकर हर कोई अपनी अपनी तैयारी में भी जुटा हुआ नजर आ रहा है, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, यूपी हो, राजस्थान हो या इन सहित जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, सब जगह पर इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं और हर किसी की चाहत यही है कि यहाँ पर बढ़त बनाई जाए। अब फैसला जनता करेगी, नतीजे 23 नवम्बर को आएंगे।